नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर, मेरा सिलेक्शन होने के बाद अगर मैं ये जोन चूज करता हूं तो ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी, पोस्टिंग कहाँ पे होगी। और बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रश्न था सर कि हम फॉर्म जहाँ से डालेंगे हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, इसकी वीडियो मैंने बना दी थी, लेकिन इस प्रश्न का मुझे अलग से जवाब देने आना पड़ा। ऐसे में बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर, अभी तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, आपने सिलेक्शन करवा दिया। तो एक बात याद रखना मेरे मित्र, जो सोच लेता है उसी का सिलेक्शन होता है। अंधेरे में तीर चलाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है खुद में विश्वास होने चाहिए। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, सिलेक्शन चुनिंदा का होता है और वही चुनिंदा लोग अपने सपने को रोज जीते हैं, और जो अपने सपने को रोज जीते हैं वही सिलेक्शन ले जाते हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सब कुछ मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको बताने वाला हूं कि आपको किस जोन से अप्लाई करना है और कहां पे होगी पोस्टिंग। सबसे पहले बात कि बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि जोन और आरआरबी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आरआरबी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो परीक्षाएं कराता है, और जोन है जहां की इनकी ऑफिसेस होती हैं, जो डिविजन्स को संभालते हैं। सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, 99% लोगों को नहीं पता होता है, और यहां से आपकी छोटा सा जो डाउट है अगले 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये पूरा सब कुछ मैं आपको मैप के माध्यम से समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, और सबसे पहले बताना क्या, सबसे पहले मैं उन सारे तमाम छोटे भाई बहनों को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा संख्या में आप सभी लोगों ने टीम परीक्षा प्लस पर विश्वास जताया है। और यकीनन मैं और आप मिलके एक कहानी लिखेंगे, एक इतिहास लिखेंगे, और वो इस इतिहास में आपकी सफलता की कहानी होगी। ये बात आपसे वादा रहा कि जो विश्वास आपने दिखाया है, इस विश्वास को मैं डगमगाने नहीं दूंगा, और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी बिल्कुल फुल स्वेग में चलेगी, बिल्कुल फुल स्पीड में चलेगी, और बेहतर तरीके से आप अपनी मंजिल को पाओगे। बाकी जो बच्चे अभी भी जुड़ना चाहते हैं, ऑफर अभी चल रहा है 199, ये बाद में सारे बैच 499 हो जाएंगे, 2-3 दिन में कभी भी हो सकते हैं। तो अभी जिनको भी जुड़ना है जुड़ जाइएगा, परीक्षा प्लस ऐप से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं इससे पहले आपको वीडियोस में सारा ये टेबल बना के दे दिया हूं कि पोस्ट वाइज आपके अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन पोस्ट पे कितना है। आपका जो 12th वाला आया था उसमें कैटेगरी वाइज भी बता दिया हूं, ग्रेजुएशन वाला मैं पहले ही बता चुका था, ये सब बता चुका हूं। इसका बहुत ज्यादा आ रहा था क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कॉमन आ रहे थे, हालांकि मैंने वीडियो बना दिया, फिर भी अलग-अलग वीडियो में बच्चे कमेंट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में बता दूं कि भैया जो बच्चे ये पूछते हैं कि सर मैंने इस जोन से अप्लाई किया है तो मेरा सेंटर कहां पे जाएगा। देखिए, सेंटर आपका वहीं पे जाता है जहां पे आपका घर होता है, घर मतलब कि जो आपके घर के आसपास होता है। अब ऐसा नहीं कि आपका गांव में घर है तो गांव में सेंटर चला जाएगा, कहने का मतलब जिस राज्य में हो, जिस जनपद में हो, अगर आपके उस जिले में जनपद में सेंटर बनाया गया है तो आपके उसी जनपद में सेंटर रहेगा। आप किसी शहर में हो, आपके शहर में सेंटर बनाया गया तो उसी में रहेगा, अंटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा फॉर्म ना आ जाए और आप फॉर्म सबसे लास्ट में भरो। होता क्या है कि जब किसी एक पर्टिकुलर जगह से, किसी राज्य से, मान के चलो कि किसी राज्य से बहुत ज्यादा फॉर्म आ गया और आप उसमें क्या किए हो, सबसे अंत में आवेदन किए हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा, सबसे पीछे हो जाएगा। तो शुरुआत वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या दे दिया जाता है, जो गृह जनपद होता है या जहां से फॉर्म भरते हैं वहां का हो जाता है, या मतलब जहां के रहने वाले होते हैं, ठीक है, वहां पर सेंटर दे दिया जाता है, और बाकी जो बच्चे बचते हैं उनको थोड़ा दूर दूर उनके आसपास दे दिया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जिस जोन में भरा है वहां पे आपका सेंटर जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और पिछले एग्जाम में भी ऐसा देखा गया है और इस बार तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि CBT 2 में जो स्किल टेस्ट ये सब होते हैं, CBT 2 या आगे के टेस्ट जो होते हैं आगे के चरण, उसमें देखा गया है कि आपका जो जोन सेलेक्ट किए होते हैं वहां पे जाना होता है, CBT 1 में आप अपने ही जोन में रहोगे। पहले क्वेश्चन का जवाब आपका ये दे दिया। दूसरी बात, आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको कहां पे ज्वाइनिंग मिलेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का। तो सबसे पहले मैंने बोला ना कि आरआरबी, ये आरआरबी पूरा ब्रीफ आप इसे पढ़ लीजिएगा, आरआरबी जोन में अंतर होता है, मैं आपको सबको समझाता हूं। आरआरबी क्या होते हैं, आरआरबी वो है जहां से आपके एग्जाम होते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे आरआरबी अहमदाबाद एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, और ये जो ज्वाइनिंग देगा, यहां से ज्वाइनिंग के बाद आपको वडोदरा में, राजकोट में, भावनानगर में, अहमदाबाद डिवीजन में, इन सारी डिवीजन में आपको क्या मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं, जो आप जोन समझ रहे हो वो बेसिकली क्या है, आरआरबी है, और ये जो बार बार हम लोग जोन बोलते हैं ये आरआरबीज ही होती हैं। ये सारा नाम क्या है, ये जो जोन लिखा है ये क्या होते हैं, ये आरआरबी होते हैं, बस क्योंकि आप लोग भी जोन के नाम से समझते हो तो मैं भी आसान भाषा में जोन ही लिख देता हूं। ये क्या है, ये जितने भी आप देखते हो ना, ये सारे क्या है, ये सारे आपके, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब आपके आरआरबी हैं।
इन्हें हम लोग जोन नहीं बोलेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और किसी आरआरबी से आपका जब सिलेक्शन होता है तो आप करते हो, आपको एक डिवीजन मिलता है। जैसे रेलवे जोन ये है वेस्टर्न, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्ट वेस्ट सेंट्रल, ये सारे आरआरबी के अलग अलग जोन है और उनमें डिवीजन होते हैं और यहां पर आपका क्या होता है सिलेक्शन। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो, इसे ध्यान से देख सकते हो आप जहां से पढ़ने जा रहे हो। आप अगर अजमेर से बदलो, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भैया कहां से आपने फॉर्म भरा है ग्रेजुएशन वाला और कहां से अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भर रहे हो, सारे लोग बताएंगे। तो अगर आप अजमेर फलते हो और अजमेर से सेलेक्ट होते हो तो आपको जयपुर मिल सकता है, अजमेर मिल सकता है, जोधपुर मिल सकता है, बीकानेर डिवीजन मिल सकता है, कोटा डिवीजन मिल सकता है, अलाहाबाद से आपने भरा है तो लखनऊ मिल जाएगा, मुरादाबाद। सो जो कहां लखनऊ कहां मुरादाबाद, बिल्कुल पूरा पश्चिम है ना, मुरादाबाद डिवीजन। हेडक्वार्टर आपका झांसी में, कहां आपका अलाहाबाद, प्रयागराज अगर देखा जाए तो प्रयागराज बिल्कुल पूर्व में और झांसी कहां पे, बिल्कुल पश्चिम में। तो प्रयागराज से झांसी भी मिल जाएगा, आगरा डिवीजन में मिल जाएगा, मथुरा के आसपास, तो अलाहाबाद में तो मिलता ही है। साथ में अगर यही पे गोरखपुर देखोगे ना तो गोरखपुर में भी आपको दिखेगा लखनऊ डिवीजन मिल रहा है, आपको ये लखनऊ, इज्जत नगर, वाराणसी डिवीजन मिल रहा है, ये दिखेगा। बेंगलोर से है तो बेंगलोर में आपको हुबली हो गया, बेंगलोर हो गया, मैसूर हो गया, यहां पे आपको मिल जाएगा। भोपाल से है तो भोपाल में आपको जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, रतलाम हो गया, यहां सब। भुवनेश्वर में है तो भुवनेश्वर में खुर्दा हो गया, संबलपुर हो गया। ऐसे बिलासपुर में देखेंगे तो आपका नागपुर हो गया, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, नागपुर डिवीजन हो गया। सिमिलरली कोलकाता में देखेंगे तो कोलकाता हो गया, उसके बाद आप देखेंगे तो चितरंजन हो गया। फिर अगर यहां पे देखेंगे तो साउथ ईस्टर्न, यहां पे खड़गपुर डिवीजन हो गया, हावड़ा हो गया, सिलदा हो गया, ये सारे। चंडीगढ़ में आपको जो बेसिकली दिल्ली वाले बच्चे परेशान रहते हैं तो दिल्ली जो चंडीगढ़ से भरते हैं उनको, जो अगर दिल्ली आपको, ये बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मुझे दिल्ली मिल जाए, तो अगर दिल्ली आपको चाहिए तो आप चंडीगढ़ से भरो। यहां पे दिल्ली हो गया आपका, पूरा नॉर्दर्न रेलवे होते दिल्ली होता है और अंबाला डिवीजन होता है। चेन्नई वाले चेन्नई मिल जाएगा आपको, उसके बाद त्रिचुरापल्ली वगैरह मिल जाएगा। फिर गोरखपुर का मैंने आपको बता दिया, गुवाहाटी में आपका लुमडिंग है, तिनसुकिया है, उसके बाद रंगिया है, ये डिवीजन मिल जाएंगे। जम्मू श्रीनगर में आपका क्या हो गया, फिरोजपुर हो गया, कपूरथला हो गया, पटियाला हो गया, असनसोल हो गया, मालदा में असनसोल और मालदा मिलता है। ऐसे अगर आप यहां पे देखोगे मुंबई, मुंबई वाले आपका नैनी डिवीजन में जाएंगे, उसके बाद मुंबई में हो जाता है इनका, शोलापुर में हो जाता है, पुणे में हो जाता है, भुसावा में हो जाता है, यहां सब आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर वाले देखेंगे तो समस्तीपुर मिल जाएगा, सोनपुर हो जाएगा। ऐसे पटना वाले बच्चे कहां पे जाएंगे, पटना वाले बच्चे मुगलसराय हो गया, दानापुर हो गया, ये आपका क्या हो गया, पटना में हो जाएगा। रांची में, रांची वाले आपके क्या हो गए, चक्रधरपुर हो गया, रांची हो गया, धनबाद डिवीजन हो गया। सिकंदराबाद वाले बच्चे धनबाद में मिल जाएगा, इनको भी धनबाद मिलता है, सिकंदराबाद हो गया, गुंटकल हो गया, विजयवाड़ा हो गया, गुंटूर हो गया, ये सब हैदराबाद हो गया, सिकंदराबाद में। सिलगुड़ी में कटिहार हो गया और अलीपुर द्वार हो गया। ऐसे तिरुवनंतपुरम में आपका पालघाट हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया और मदुरई डिवीजन हो गया, ये आपको मिलते हैं। तो एक बार मैंने आपको जो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपका था वो मैंने बता दिया है, बाकी बैच में आप जुड़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। आज से आपकी क्लासेस बहुत प्रॉपर तरीके से मंगलवार से चलने वाली थी और मंगलवार से बहुत बेहतर तरीके से आपकी क्लासेस भी चल जाएंगी। इससे पहले में भी हम बीच बीच में आपको सारी चीज देते रहते थे। और जो बच्चों को ये किताबें वगैरह जरूरत होती है ये भी आपको परीक्षा प्लस में ईबुक सेक्शन में अपलोड कर दिया गया, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। तो बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। बाकी आप सभी लोगों ने इस विश्वास के पास अपने बड़े भाई को समझाया, इसके लिए मैं दोबारा आभार प्रकट करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैच से जुड़ेगा सबसे कम दाम में ऑल ओवर इंडिया। अगर कोई बैच है तो परीक्षा प्लस का बैच है और सबसे उच्चतम गुणवत्ता देने की गारंटी मैं लेता हूं और देके जो बोल सकते हो ना कि सबसे उच्चतम गुणवत्ता कहां मिलने वाला है तो परीक्षा प्लस में मैं आपको देके दिखाऊंगा। सिलेक्शन रेशियो आप देखिएगा, मोर देन 80-85% सिलेक्शन रेशियो ना दिया तो फिर आप भूलिएगा। तो ये आपको एक विश्वास मैं दिला रहा हूं, आपको भी यही विश्वास होना चाहिए कि मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। मैं कितना भी पढ़ा लूंगा, आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन घंटा होगा, तो आपको भी उतना ही पढ़ना होगा, मुझे भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।